बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। गाइज़ आप देख रहे हैं इस वक्त इना ग्राफिक, तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइज़ आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लोगों, एवरीथिंग अबाउट मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन आइडिया। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है इस लोगों को लेके। कुछ शेप यहाँ पर मैं रेडी करूँगा और उसकी मज़े मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपनी कंपनी का कोई भी जो आपकी कंपनी का नेम है, आप ए से लेके जी तक इसमें कोई भी वर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को सारा प्रोसेस आज बताने वाला हूं। सो गाइज आप कर वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। तो गाइज चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहां पे मैं एक कर्सल जो है वो क्रिएट करता हूं, और यहां पे कुछ शेप्स हमने रेडी करनी है। तो ये पॉलीगॉन भी हमने क्रिएट किया, और इसके अलावा जो है वो एक और शेप है, उसको शील्ड लोगो बोलते हैं। तो शील्ड भी आप रेडी करके, शील्ड तो आप लोगों को पता ही है शील्ड कैसे रेडी करते हैं, जैसे कि ये डबल मैंने किया और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की। तो यहाँ पे हमारी शेप जो है वो बिल्कुल रेडी होगी। इसको मैं पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप कोई भी शेप लें और उसमें अपना लोगो, अपनी कंपनी का लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो शील्ड तो आप लोगों को पता है कैसे क्रिएट करना है, तो बस इसको रिमूव कर देना आप लोगों ने, इसको भी। तो ये आपके पास शील्ड जो है वो रेडी हो गया। तो कुछ इस टाइप के जो है वो आज आप लोग को बताऊंगा कि मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है। सो गाइस चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले ही किया हुआ है एक स्केच रेडी, ठीक है। तो उसको जो है वो मैं यहाँ पे स्केच मैंने इसलिए पहले रेडी किया कि यार आप लोगों का जो है वो ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ। तो चलें जो है स्केच को ये फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ब्लैक कलर जो है वो फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल को लेंगे और इसमें ब्लैक कलर को जो है वो फिल कर लेंगे। कोई भी आप कलर कर सकते हैं, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों ने समझ लेनी है बात कि कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, कहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसको जो है वो फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करूँगा, ओके। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अभी फिनिश करेंगे, और बाद में आप लोग को बताता हूँ कि इसकी आप लोगों ने सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी मेरा मैंने यहाँ पे ए को क्रिएट किया। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आप ए से लेके जी तक कोई भी वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी का, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाला करता हूँ, तो मैं सेकेंड करूँगा इस पर, यहाँ पर एम करने वाला हूँ, ठीक है। डैट्स गुड। तो इसको मैं साथ साथ जो है वो फिल कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को यार आप लोग का ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ, ठीक है। ओके डैट्स गुड। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो आप लोगों ने केयरफुल रह के यार वर्क करना है, देख लेना आप लगा कोई चीज़ भी यहाँ पे जो है वो ना रह जाए, क्योंकि अगर रह गई तो आपका लोगो ख़राब हो सकता है। बाद में मुझे नहीं कहना कि सर हमारा लोगो तो ऐसे नहीं हुआ जैसे आपका हुआ। अब मैंने ए को किया और एम को किया, और अब मैं डी को कर लेता हूं, ठीक है। तो आप कोई भी, मैंने आप लोग को बोला कि कोई भी आप वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ए से लेके जी तक। तो जिस तरह यार मैं आप लोगों को जो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ ना, तो आप लोगों को बहुत इजी मेथड, आप लोगों को सबसे इजी मेथड बताता हूँ कि आप इस तरह अपना लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब बात आती है यार, थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे स्मॉल है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और कैसे, यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम ही है यार। अब इसको हमने कर लिया इस यहाँ पे लाइन, और मैं इसको चाह रहा थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लेना, खुद ही शेप टूल को लेना है और यहाँ पे मैं इसको फिल करके दोबारा यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप जो है वो बन जाएगा। बट उससे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने, बट यहाँ पे ए को क्रिएट करना है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग यार गाइस क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ पहले तो रिमूव, और यहाँ पर आता हूँ और कर लेता हूँ इसको क्रिएट, ठीक है। अब जो है वो इसमें मैं लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ओके। सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल को लेंगे और इसमें ब्लैक कलर को फिल करके यहाँ पे फिल कर देंगे, ओके डैट्स गुड। तो बिल्कुल यार आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पे, और ये चीज़ें आप लोगों ने यार देख लेनी है केयरफुल रह के, ठीक है, ओके डैट्स गुड। तो अभी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त यार लोगो यहाँ पे हमारा ए एम और डी जो है वो रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को यहाँ पे लेके आते हैं। सेकंड मैंने क्या किया है यार,
इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं सेकंड वाला जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उसकी ये वो गोल कर्सल है। तो इसमें आप पॉलीगॉन भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। यार मैंने आप लोग को पहले बताया, मैंने कुछ शेप्स आपके सामने आप लोगों के सामने जो है वो रेडी किया। अब इसी में मैं करूँगा ए और एम डी को करूँगा, ठीक है। आप लोगों को आइडिया यहाँ पर भी देने लगूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी मैथड है यार, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल को लेंगे और इसमें कोई भी कलर फिल कर लें, चलो रेड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको गाइज स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, यहाँ पे ओके दैट्स गुड। और यहाँ पे हम थोड़ा एम को कर लेते हैं, ओके केयरफुल रह के वर्क करना है, ठीक है। तो यार खुद का आइडिया लेना, किसी का नहीं लेना यार, बुरी बात है। ओके तो मैं फटाफट इसको ना जो फिल कर लेता हूँ पहले, फिर आप लोगों को मिलता हूँ यार। हमारा मोनोग्राम लोगो डिजाइन यहाँ पे गाइस बिल्कुल यार रेडी हो चुका है, और आप लोग को जो है वो आइडिया दे दिया है आज के आप इस तरह थ्री लेटर लोगो को जो है मोनोग्राम लोगो डिजाइन को कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे टू स्केच थे, इसकी मद से हमने ए एम डी और ए एम डी को किया है। अब इसको आप कहीं भी जो है वो इसको अनग्रुप करेंगे गाइस। तो यार इस तरह का पंगा जो है वो भी क्रिएट करना चाहिए, बट आप लोगों ने केयरफुल रह के करना, जो भी वर्क करना दिल से करना है, ठीक है, और नीयत को बिल्कुल साफ करके ना आपने वर्क करना है। जब नीयत से काम किया जाए ना तो फिर वो बंदा ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो भी काम करे इंटरेस्ट है तो करिए, वरना ना कीजिएगा। बात आती है इंटरेस्ट की, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो कीजिएगा, वरना अदरवाइज़ आप ना कीजिएगा। आपको इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनर बनना लोगों में कर दो, आप ज़रूर करिएगा, दिल से कीजिएगा काम, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया और इसको भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो आप अब यहाँ पे नीचे अपना जो है वो कंपनी नेम, टैगलाइन वगैरह जो भी आप लोग बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एवरीथिंग अबाउट मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन आइडिया आज जो है वो हमने क्रिएट किया है, और बहुत मज़ा आया इसको लेके, और माइंड में आया, सोचा आप लोगों के साथ यार ज़रूर शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को गाइज मेरा ये लोगो कैसा लगा, आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। तो एज आई होप कि अब आप लोगों को ऐसा लोगो क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप किसी भी शेप में अपना लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपनी कंपनी का लोगो या डिज़ाइन क्रिएट करवाना चाहते हैं तो ईमेल दिया वहाँ पे आप जाके, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहाँ पे आप जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट है तो, या कुछ आप लोग इससे अलग कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर क्रिएट करूँगा। तो मैं अब फोटोशॉप भी साथ साथ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और उसको भी साथ लेके चलूँगा और आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो गाइज़ खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।